हेलो गाइस, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जीएवी एकेडमी की जो आपकी एनटीएससी की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम अर्थमेटिक पढ़ा रहे थे। अब अर्थमेटिक का अगला पार्ट लेके आए आज। जैसे हमने पुरानी क्लासों में सीखा कि अर्थमेटिक होता क्या है, और एक वर्ड था उसमें सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें सीक्वेंस सीरीज में अर्थमेटिक का क्या रोल है वो सीखा हमने। फिर अर्थमेटिक होता क्या है, पता कैसे चलता है। फिर हमने सीखा कि अर्थमेटिक सीरीज के अंदर दो या तीन टर्म्स दे दी जाएं तो आप अगली टर्म्स कैसे निकालेंगे, वो चीज़ सीखी। आज उससे आगे चलते हैं, एक बार पीछे से स्टार्ट करते हुए कि जो टर्म्स आपको निकालनी होती है, जैसे कोई भी सीरीज देने के बाद 10th नंबर 15th नंबर 50th टर्म जो आपको निकालनी है वो निकलती कैसे है, वहीं से एक बार हम जो पिछली वीडियो एंड की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी 2712। ये कोई भी आपकी अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज ऑलरेडी आपको दी, बोल दिया आपको एपी है, तो इसका मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे आपको चेक भी करना है तो हम चेक करके भी देख लेते हैं। फिर उनके तीन नंबर आपको दिए गए हैं, तीन टर्म्स आपको दी गई हैं, नेक्स्ट में से टेंथ टर्म आपको निकालनी है। देखो, जो सबसे पहला लिखा उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको आप ए बोलते हो। जो एपी का पता कैसे चलता है, कॉमन डिफरेंस, जो सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, चाहे आप 12 - 7 करोगे तो 5। जिनका कॉमन डिफरेंस हर टर्म कंजुगेटिव टर्म्स का गैप इक्वल हो, उस सब में इक्वल हो, उसको आप एपी बोलते हो। बट यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है एपी। अब सिर्फ जो ए एन का फॉर्मूला था कि किसी भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू 2, एन माइनस 1। जो आपको नंबर निकालना, मतलब अगर आपको 10 निकालना है तो n की वैल्यू आपकी होगी 10, 10 माइनस 1 डी, डी की वैल्यू आपकी है 5, तो 10 माइनस 1 9 इंटू 5, ठीक है। ये आपका आ गया, कितना आ गया, 9 इंटू 5। पहले मल्टीप्लाई होता है, जो बोर्ड मास आपने सीखा है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, जो भी आपने सीख, वो हमने जो बचपन में सीखते आए हैं उसमें पहले ये प्लस और मल्टीप्लाई साइन के बीच में पहले मल्टीप्लाई आता है, तो पहले मल्टीप्लाई 9 5 = 45 प्लस 2, आपका आंसर आ गया 47। ये आपकी टेंथ टर्म थी। एक तरीका ये है, हम नॉर्मली अपने क्लास में जब पढ़ते टाइम ये आपका फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर आप कहते हो सर, फिर आपने नया क्या बताया, या इतने ही ये 4 5 7 10 लाइन लिखनी ही पड़ेंगी क्या, क्या ऐसा तो बताओ किसमें एक या दो लाइन में ही काम चल जाए। चलो उसको देखते हैं। देखो, वो आपका रिपीट भी किया हुआ है, हमने पुरानी वीडियो में देख सकते हो। देखो, आपको एक नंबर दिया गया था 2712, ये दिया गया, आपको ये कहा था मैंने कि आप सबसे पहले इनका गैप बता दो। आपने कहा सर 5, ठीक है, इनका गैप 5, फिर आएगा 10, फिर 15, फिर आपका 20, इसी टाइप से चलता जाएगा। और सबको 5 की टेबल आती है, उस टेबल के अंदर 10th नंबर क्या था आपका, 5 × 10, जो कि बनता आपका 50। देखो, ये 50 कब होगा, जब फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 10 होगी। बट आपको क्या दिया गया है, 2712 इस वे में दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस 5, उसकी टेबल लिख देंगे। उसकी टेबल कहाँ तक, जो नंबर आपसे पूछा गया 50। अब ये देखेंगे कि जो हमने अपनी मॉडिफाइड करके जो बनाई है उसमें, और जो ओरिजिनल इन्होंने दी थी उसमें क्या डिफरेंस है। तो आपने कहा कि सर, जो ओरिजिनल है वो हमारी बनाई हुई से -3 करने पे आएगी, जो ओरिजिनल है वो हमारी बनाई हुई से -3 करने पे आएगी। तो हमारी बनाई हुई का आखिरी वर्ड है 50, इससे हम अगर 3 माइनस कर देते हैं
तो आपका आ जाएगा 47। आपने मेथड यूज किया तब भी आपका 47 आया, आपने अपने अकॉर्डिंग किया नई सीरीज बना के तब भी आपका 47 ही आंसर आया। तो आप देख सकते हो कि आप फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सीरीज बनाओ और उससे कंपेयर कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फाइंड 15th टर्म ऑफ एपी 7, 8, 7, 10, 13, ये आपकी कोई एपी है, इसका आपको 15th नंबर निकालना है। जो आप एपी आपको दी गई है वो है 7, 10, 13। सबसे पहला काम आप इनका गैप चेक करोगे, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, तो आपको 3 की टेबल सबको आती होगी, 3, 6, 9, 12, ऐसे ही आपकी टेबल चलती जाएगी। अब आपको करना क्या है, कौन सी टर्म निकालनी है, 15th टर्म, मतलब 3 को आप 15 से इंटू करोगे तो आपको पता है 45 आएगा। ठीक है, ये 3 के अकॉर्डिंग 45 15th टर्म होगी। अब आपको इसके आगे देखना क्या है, अब पहली टर्म्स को कंपेयर करोगे, जो ओरिजिनल टर्म है वो हमारी बनाई हुई के प्लस 4 करने पे आती है, 6 प्लस 4 9 प्लस 4, तो 45 प्लस 4 आपका आ गया 49। ये आपका आंसर है। आप छोटे छोटे तरीकों से भी अपने आंसर्स बिना फॉर्मूलों के निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपसे ये पूछा गया है कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे जो 2 डिजिट में आते हैं। आपको पता है 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 12 13 14 15, ऐसे करते करते आपका 99। यह सबको पता है 2 डिजिट, बट इनमें से काफी नंबर ऐसे हैं जैसे 10 है 11 है जो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं इनमें से कितने नंबर आपके 3 से डिवाइड होते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला हमने देखा ये नहीं होता, 12 होता है, नेक्स्ट 15, फिर 18, ऐसे चलते चलते 99। तो ये वो एपी है जो आपकी क्या होती है, किससे डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है। अब दो तरीके हैं, पहले फॉर्मूले से फिर बाद में वैसे देखेंगे। अब देखो, जो पहला नंबर इसको ए बोलते हो 12, डी आपका कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 12 3, ये आपका लास्ट टर्म ए एन 99। हाउ मैनी का मतलब आपको निकालना है एन, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू ए एन 99। ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 3, तो आपका आंसर क्या आया, एन माइनस 1 इंटू 3 99। ये नंबर उधर जाएगा, एन माइनस 1 ये आपका बन गया 87 डिवाइड बाय आपका आ गया 3, ये इधर चला जाएगा। तो एन माइनस 1 का आपका जो आंसर आएगा, 3 2 6 2 9 3 9 27 29, n की वैल्यू आ गई 29। ये आपका, मैंने आपको फॉर्मूले से करके बताया है कि ए एन का जो ये लास्ट नंबर को ए एन या एल बोलते हैं, लास्ट नंबर उसके बिहाफ पे, या टी एन भी बोल देते हैं। आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, जो टर्म है उसको हम TN से भी डिनोट करते हैं, T1, T2, T3 से भी, और AN, A1, A2, A3 से भी।
फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी था, ए आपका फर्स्ट टर्म, डी आपका डिफरेंस, ए एन लास्ट, 12 एन माइनस वन डी 99, एन दिया नहीं था रख दिया, ये आपका उधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस से 87 आ गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में 29, ये आपका आंसर आ गया 30। दूसरा तरीका देखते हैं, देखो दूसरे में हम क्या करते हैं, अगर आपको n निकालना है ये आपकी एपी है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस वन, आपकी आखिरी टर्म कौन सी है 99 माइनस, पहले लिखा हुआ है 12, बच गया आपका 87 डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस इनका 3 का, बचा आपका 29 प्लस 1, आपका आंसर आ गया 30। तो आपने ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, आखिरी नंबर पहला नंबर डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 और करना लास्ट में, ठीक है। एक तरीका और देखते हैं एन निकालने का तरीका, जब भी सब ये तरीका था हमेशा एप्लीकेबल होगा, बट जब आप डिविजिबल की बात करते हो, किसकी बात करते हो, डिविजिबल बाय किसी भी नंबर की बात करते हो, उसमें एक छोटी सी चीज आती है, आसान सी, क्या आती है, आखिरी नंबर को डिवाइड कर दो और पहले को, डिविजिबल बाय क्या कहा था 3, आखिरी नंबर को डिवाइड किया 3 से 33, आपका 0। टोटल नंबर अगर मैं काउंट करूं 0 से स्टार्ट करके कहां तक, 0 से स्टार्ट करके 99 तक, तो मेरे पास टोटल नंबर आने वाले हैं 33, जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब ये बताते हैं कि जो 12 से पहले वाले कितने नंबर हैं, 12 से पहले 11 होता है, चाहे वो 11 को डिवाइड कर लो, या डिविजिबल नंबर कौन सा है 9 होता है, 9 को डिवाइड कर दो 3 से, आपका आंसर आ गया 3, माइनस कर दो आपका आंसर। जैसे कि आपने कहा कि 10 से लेके 99, तो आपने क्या किया 99 को डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर अगर बचता भी है छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेंट आपका 33, पहला नंबर 10 था, 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से तो कितना बचता, 3 पे जाता, रिमाइंडर 1 बचता, तो आपके इस साइड कोसेंट आता 33, इधर आता 3, माइनस कर दो 33 माइनस 3, आपका आंसर आ जाएगा 30। आपने जो भी तरीके लगाए, फॉर्मूले से किया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 से किया, और आपका अगर डिविजिबल नंबर है तो इससे भी कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी में मैंने लिख दिया डिविजिबल बाय 4, तो मेरी सीरीज क्या बनेगी, पहले तो 2 डिजिट लिखता हूं मैं, 11, 12 और 99। देखो इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अगर एपी बनानी है तो सारे नंबर्स ढूंढने पड़ते हैं जो 4 से डिविजिबल है, जिसमें आपका आता है 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद ऐसे चलते चलते 96। अब ये बताओ कि आपको ये कैसे पता चला कि 12 ही डिविजिबल होगा, ये तो मान लो छोटे नंबर थे इसलिए चलो 12 का पता चल गया। अब बहुत सारे लोगों को ये टेबल अच्छे से लंबी चौड़ी आती नहीं होगी, तो ये कैसे पता 96 ही आएगा लास्ट नंबर, 98 भी तो आ सकता था जो 4 से डिविजिबल हो। उसके लिए या तो अपना कोई तरीका लगाओ डिविजिबिलिटी रूल, या अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पे इनकी भी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्रीवियस चैनल पे वीडियो खोलोगे, वीडियोज में जाओगे, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, चलो नहीं भी पता तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 3। अगर कोई भी रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने पे, फुल्ली डिवाइड नहीं होता, जीरो नहीं आता,
तो आप किस नंबर को डिवाइड कर रहे थे? 99 को, 99 को। तो 99 में से जो रिमाइंडर बचा है वो माइनस कर दो, वो आपका डिविजिबल नंबर होगा। अगर कहीं भी, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हो, वहां भी कहा जाता है कि डिविजिबल नंबर्स बताओ, या कोई ऐसा नंबर बताओ जो इससे भी डिवाइड हो जाए, उससे भी, तीन से, चार से, पांच से, सबसे डिवाइड हो जाए, वहां आप एलसीएम्स निकाल ले, तो कहीं ना कहीं वहां भी डिवाइड करके देखना पड़ता आपको। तो उनके लिए क्या है कि कोई भी नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, या उसके आसपास का कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो उसी नंबर को डिवाइड करके देखो। अगर रिमाइंडर बचता है तो जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, जिसको आप डिविडेंड बोलते हो, उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो, आपका जो आंसर होता है वही आपका डिविजिबल नंबर होता है। ऐसे ही 10 को डिवाइड किया मैंने 4 से, 4 टू जा 8, रिमाइंडर बचा 2। अब रिमाइंडर 2 बचा, तो आपका 10 माइनस 2, आपका जो 8 है वो आपका डिविजिबल होगा। बट क्या हुआ कि आपका 8 वन डिजिट है और आपको आंसर 2 डिजिट्स वाला निकालना है, तो इस 2 डिजिट के बिहाफ पे आप इसमें एक बार और नेक्स्ट नंबर ले सकते हो, यहाँ पे 3 लिख सकते हो, या जिससे डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर, दोनों का डिफरेंस निकाल के ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे माइनस, ऐड कर सकते हो किसमें? 10 में। तो डिफरेंस 2 का है, 10 में ऐड करोगे 12 बन जाएगा। या अपना एक ही चीज याद रखो, जो रिमाइंडर बचा इसमें माइनस करो, दोबारा 4 ऐड कर लेना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर 12, लास्ट नंबर 96। एन निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट, 4, 8 में से 1, 9 में से 1, 8 डिवाइड बाय दोनों का गैप, गैप वही होगा जो आपको यहां लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आ गया 21। बट ध्यान रखना, भूल मत जाना, लास्ट में आपको 1 भी ऐड करना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 22। अब दिक्कत ये थी, सर क्या एपी बनानी कंपलसरी है? बिना एपी के पहले हमेशा डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, पहले ये एपी ही बनानी पड़ेगी तभी आंसर निकलेगा। देखो डिविजिबल नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, देखो जो ओरिजिनल मैंने 2 डिजिट नंबर्स लिखे थे 10 to 99, एक बार मैंने आपको नंबर समझाने के लिए, उसके आसपास का नंबर समझाने के लिए डिवाइड करके दिखाया था 99 और 10 को। जब 99 को डिवाइड किया था 4 से, कोसेंट 24, रिमाइंडर 3 आया था, रिमाइंडर को छोड़ दो, 24 आपका कोसेंट आ गया। जब मैंने 10 को डिवाइड किया था, कोसेंट कितना आया था 2, उसका कोसेंट 24, इसका 2, अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, आप इजीली देख सकते हो, जिस मेथड के थ्रू आपने 12 और 96 लिखा था डिवाइड करके, उन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करने पे मेरा आंसर आ जाता। मेरे को इतना कुछ सीरीज बनाने की, प्लस माइनस, लास्ट फर्स्ट, डिवाइड प्लस माइनस, कुछ नहीं करना पड़ता। वही जो फर्स्ट और लास्ट नंबर जानना है आपको, पता करना है, उसके लिए आपको डिवाइड करना है। डिवाइड में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहानी क्या है, आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। आपको पता है 10, 9, 2 डिजिट्स में ये सारे नंबर्स हैं, लास्ट वाले को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 7, जिसको अच्छे से टेबल आती है 2 9, उसको पता है 14 × 7 = 98 होता है, ठीक है। आपका कोशेंट आ गया 14, 10 को डिवाइड करो 7 से, कोशेंट आ गया 1, 14 - 1 कितना आ गया 13।
ये आपका आंसर। आपको ना ही दोबारा एपी बनाने की जरूरत है, ना फर्स्ट लास्ट नंबर ढूंढने की जरूरत है कौन सा डिविजिबल होगा कौन सा नहीं होगा। बस पहले नंबर आखिर नंबर को जिससे डिविजिबल है उससे डिवाइड करो, दोनों के जो क्वेश्चन आएंगे उनको माइनस कर लो, आपका आंसर। आपको कोई एपी बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सर हम तो एपी पढ़ रहे हैं तो एपी बना के ही बताएं कि कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस तो आपको जय माता दी करके टिक करने होते हैं। वैसे ही आप डिवाइड करो दो नंबर्स करके, जय माता दी से अच्छा यही रहेगा, दोनों से डिवाइड करो, दोनों के क्वेश्चंस को माइनस करो, क्योंकि जय माता दी भी कोई रूल तो है नहीं जिसको आप लगा देते हो हर ऑब्जेक्टिव में। चेक वेदर थ्री जीरो वन इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। आपसे ये कहा गया है कि आपको चेक करके ये बताना है क्या ये नंबर 301 इस लिस्ट के अंदर, ये जो भी सीरीज दी गई है इसके अंदर 301 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका क्या तरीका है, अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो हम लेट कर लेते हैं कि बिल्कुल आएगा, मतलब लास्ट टर्म ये है, बिल्कुल आएगा तो नहीं कह सकता मैं, बट ये कह देते हैं लास्ट टर्म ये है। अगर ये लास्ट टर्म है तो एन निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल ये नंबर कौन सा नंबर है, 10th नंबर, 15th नंबर, 20th नंबर, कौन सा नंबर है जो आपका 301 है। अगर आपने n निकाल लिया प्रॉपरली तो इसका मतलब ये लिस्ट में आएगा, अगर n नहीं निकला आपसे प्रॉपर तो आपका ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब n निकालना तो आपने सीख लिया। चलो देखते हैं दोबारा से, देखो जो मैंने an निकालने का तरीका बताया चाहे वो लगा दो या n का लगा दो। अगर मैं n की बात करूं तो n का तरीका क्या है, 301 लास्ट माइनस फर्स्ट, 11 माइनस 5 6 9 बचा, एक उधार दे दिया था 2 बच गया, डिवाइड बाय। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का गैप कितना है, 11 माइनस 5 6, अगर आपका ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये आएगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नहीं आएगा। देखते हैं 296 को डिवाइड करते हैं 6 से, अगर डिवाइड हो गया तो ये नंबर आएगा 301 इस सीरीज के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। 6 से 4 पे 20, 6 की टेबल 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। साफ साफ आपको दिख रहा है ये नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है, तो आपका क्या हो गया, नहीं आएगा। अगर आपने डिविजिबल करने के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, जब हमने प्रीवियस क्लासेज में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाए, वो वीडियो देखी है हमने, जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना दोबारा से, देखी है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, क्योंकि हमने उसमें सब बताया है कि कोई नंबर 2 से 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से किस टाइप से डिवाइड होगा, क्या देखते ही बता सकते हो डिवाइड होगा। बिल्कुल, जैसे कि 6 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है 6 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 3, तो वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से, 2 से डिवाइड का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखते ही बता देते हो। अगर लास्ट का नंबर इवन है 0, 2, 4, 6, 8, बिल्कुल 2 से होगा, सही बात है। अब बात आती है 3 की, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9, 6, 15, 2, 17, 17 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब वो कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा।
जब तक ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा, n फ्रैक्शन में रहेगा, प्रॉपर एक नेचुरल नंबर या इंटीजर नहीं होगा, जब तक ये प्रॉपर नंबर नहीं है तो ये टर्म्स आपकी इस सीरीज में, इस एपी में नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका क्या था, 296 जो डिविलिटी रूल था, सिर्फ आपको रिमाइंडर से मतलब था, कोसेंट से, या सिर्फ पता करना था डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पता करना है कि ये डिवाइड नहीं होगा, तो देखो एक एक नंबर को देखो, 6 डिवाइड होता है, हो गया, काट दो। 9 डिवाइड होता है 3 से, काट दो। जो नंबर्स डिवाइड नहीं होते उनका सम, 2 बचा, 2 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 का डिविलिटी रूल कहता है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इस बिहाफ पे भी डिविजिबिलिटी रूल से भी बता सकते थे कि आपका 301 इसमें सीरीज में, आपके सीक्वेंस में, एपी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्वेंटी वन एटीन फिफ्टीन माइनस 81। अब आपको चेक करके ये बताना है, चेक वेदर माइनस 81 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 21, 18, 15, क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा। जिन लोगों को वहम है कि किसी भी सीरीज के अंदर, किसी भी सीक्वेंस के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। नेगेटिव दो ही चीज़ें नहीं आती हैं, एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, कोई भी टर्म वन से छोटी नहीं होती है। जीरोथ टर्म, माइनस 15th टर्म, ऐसा नहीं होता है। हाँ, 15th टर्म की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट कोई भी टर्म नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होती है। दूसरी, फ्रैक्शन में भी कभी टर्म नहीं आती। ये नहीं कहते 5/2.5 टर्म निकालो, हिंदी में बोलते ढाईवीं टर्म निकालो, 3.5 निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, 1.5 नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो n की वैल्यू ये नहीं आती है, ना फ्रैक्शन में आती है n की वैल्यू, ना नेगेटिव, सेम है आपका। ठीक है, आपने क्या किया, लास्ट टर्म, जैसे कि आपकी बन गई लिस्ट 18 15 81, n निकालने के लिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 2 8 2 10, लास्ट नंबर 81 था माइनस फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर 21, तो आपका बन गया 102। अब डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये नंबर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड हो गया तो ये आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 21 तो आपका आता है -3। अब बात आती है क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 का डिजिटी रूल कहता है डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो आपका आंसर डिविजिबल होगा। तो आपने 102, 2 + 1 3, 3 + 0 3 होता है, तो इसका मतलब जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका डिविजिबल होगा। तो आपका इस सीरीज के अंदर -81 आएगा। अगर इसके साथ साथ आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई ये -81 अगर आ रहा है तो आने के बाद ये कौन सी टर्म होगी, तो आपको क्या करना है, देखो तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, 102 डिवाइड बाय 3, 3 जा आपको पता ही है 9, 12, 3 4 जा 12, तो आपका कितना आ गया 34। जब आपको टर्म निकालनी होती है तो हमेशा डिवाइड के बाद 1 ऐड करते हो, जो बनता है आपका 35। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया क्या -81 आएगा, तो हमने क्या किया, -81 में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया, डिफरेंस से डिवाइड किया। अगर डिवाइड हो जाता है तो बिल्कुल आएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया कि अगर वो आएगा, इस सीरीज के अंदर -81 आएगा तो वो कौन सा नंबर होगा। उसके लिए हमने क्या किया, फिर वो डिवाइड करते टाइम हमने प्रॉपर देखा कि कितने पे डिवाइड होगा, किस नंबर से वो डिवाइड होगा, क्या कोसेंट होगा, तो आपका आया 34। जो भी कोसेंट आता है उसमें हमेशा 1 ऐड करना है जब n की वैल्यू निकालते हो,
तो आपका आंसर आ जाता है 34 + 1 = 35। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को GAV एकेडमी आपका अपना ही है, हम तो कहाँ, हम तो बस आपके लिए ही हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि ऐसी ऐसी और भी वीडियो आती रहे। थैंक यू।